आज सुबह 6:30 बजे मैं भोलकपुर को आया हूँ, भोलकपुर बल्दी वार्ड में। और यहाँ पर हमारे मुतालिका रुकन बल्दिया जनाब अखिल साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन खान साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटरवर्क्स के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 5-7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है ग्रेवयार्ड खबरस्तान से लेकर जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, 10% काम है, वह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हुई कि 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है, पाइप भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर नई पानी की लाइन का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोलकपुर में 2009 में एक बड़ा ही वाक़या हुआ था और उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नई पानी की लाइन डाली जाएगी 12 करोड़ की लागत से, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि ये दो बड़े अहम काम मुकम्मल होने के बाद भोलकपुर में जो बहुत बड़ी तकलीफ़ बनी हुई थी और ख़ास तौर से इस वार्ड में बड़ी बड़ी पतली गलियां हैं, चाहे मोहम्मद नगर हो या दूसरे MIM का इलाका हो, MIM ना गली बोलते, तो इन तमाम पतले गलियों में वाटरवर्क्स के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी काबिलियत के साथ वहाँ पर ये सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल किया। और मुझे यकीन है कि पानी की लाइन का काम भी इंशाअल्लाह ताला हम तमाम के तआवुन से मुकम्मल होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अनकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म ज़ख़्त जनाब KT रामाराव साहब यहाँ पर ख़ुद आएंगे। मैंने उनको दावत भी दी है कि वो आकर ये 12 करोड़ की पानी की लाइन और सीवरेज लाइन का जो काम मुकम्मल हो चुका है वो उसका मायना करें और पानी की लाइन का संगे बुनियाद रखें। और जब वो आएंगे यहाँ पर भोलकपुर में, तो मैं भोलकपुर की आवाम को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के असेंबली इलेक्शन में भी हमने हुकूमत से ये वादा लिया था कि आपने हमसे वादा किया था कि सीवरेज और पानी की लाइन डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ है। तो जनाब KT रामाराव वज़ीर बल्दी नज़्म ज़ख़्त यहाँ पर आकर इस वाटर लाइन का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ उस दिन बहादुरपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लेकर आराम घर तक एक फ्लाईओवर ब्रिज है 520 करोड़ की लागत का, उसका भी संगे बुनियाद डालेंगे। और साथ ही साथ मीरालम टैंक में एक म्यूज़िक फाउंटेन का भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मंजूर हो चुका है, उस काम का भी इफ्तिताह होगा। तो पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से, अराकीन बल्दिया सदर मुतमदीन तरफ से की जा रही है कि आवाम के सहूलत के लिए जो ख़ास तौर से बल्दी बरखी आबरसानी के काम हैं उसको पूरा किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ भोलकपुर के तमाम मजलिस के सदर मुतमदीन को, ज़िम्मेदारों को, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिश की वजह से ये तमाम काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे वाटरवर्क्स के MD साहब का और ख़ास तौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने उनको बार बार उनकी तवज्जो दहानी दिलाई, हमारे लोग जाकर मिले और उन्होंने भी बराबर अपनी उस काम को टेकअप किया, उसको मंजूर किया। अस्सलाम वालेकुम।